अभी आज का हमारा टॉपिक जेन ईयर चैप्टर फाइव की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है तो एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले हम करेक्टर्स देख लेते हैं जो कि इसमें इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं तो तीन न्यू करेक्टर्स हैं जो कि इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं चैप्टर फाइव में हमें पहला है मिस टेम्पल का सेकेंड करेक्टर है मिस स्कैचूड का और थर्ड करेक्टर है हेल एंड का तो अब एक्सप्लिशन स्टार्ट करते हैं तो जो चैप्टर फाइव वो स्टार्ट होता है नाइनटीन जनवरी की डेट से ये वो दिन है जब जैन ईयर ने गेट्स हेड हॉल को छोड़ना था तो जो जेनियर होती है उस दिन पाँच बजे उठ जाती है सुबह के क्योंकि उसको कोच यानी जो बस है उसको छः बजे लेने आना है उसने तो वह चाहती कि वो लेट ना हो तो इसलिए वो एक घंटा पहले ही उठ जाती है लेकिन जब वो उठती है तो वो देखती है कि फैमिली का कोई भी बंदा उसको गुड बाय कहने के लिए वहाँ पे मौजूद नहीं होता कोई उसके लिए उठता नहीं है कि वो उसे एक दफ़ा अलविदा कह दें लेकिन जो जेनियर होती है वो इस बात पर बहुत खुश होती है कि वो अब मिसिस रीड और उनके बच्चों से बहुत ज़्यादा दूर जा रही है इसकी एक वजह ये भी है कि जो मिस ट्रीट उसके साथ होता था जो इनजस्टिस उसके साथ होता था वो उससे काफ़ी तंग आ चुकी थी तो इसलिए वो इस चीज़ पे बहुत ख़ुशी का इजहार भी करती है कि वह मुझसे बहुत दूर चली जाएगी और उसके साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं होगी तो जैसे छः बजते हैं तो जो वैन यानी जो ड्राइवर होता है वो आता है तो उसकी वाइफ ये देख के हैरान हो जाती है कि जो मिसेज रीड है वो एक इतनी छोटी सी बच्ची को मतलब इतनी छोटी सी बच्ची को अकेले सफ़र करने देने जा रही हैं तो वो बहुत ज़्यादा इस बात पे हैरान होती है तो जो जेन का जेन के अंदर एक इमेजिनेटिव नेचर था जो मतलब वो खुद ही सी चीज़ों को इमेजिन करती थी जैसे उसने रेड रेड रूम में भी किया था तो उसी तरह ही अब ये इस वक्त भी उसको इमेजिन करने लग जाती है कि अगर उसको बीच रास्ते में किडनेपर्स ने पकड़ लिया और उसके पास जो भी है वो सब कुछ उससे छीन लिया तो वो क्या करेगी अगर मतलब वो ये सोचती है ना कि अगर कोच कहीं रुकी और वहाँ पे किडनीपर्स आ गए उन्होंने उससे सब कुछ छीन लिया तो फिर वो क्या करेगी तो इस बात से वो काफ़ी परेशान हो जाती है तो फिर उसके बाद जब जेन होती है वो लॉ वुड पर पहुँचती है लॉ वुड वो जगह है जहाँ पे वो पढ़ती पढ़ना है उसने जहाँ पे उसने अपनी पढ़ाई का आगाज करना है तो जो जिस दिन वो वो पहुँचती है उस दिन बहुत ज़्यादा बारिश हो रही होती है बहुत तेज़ हवाएँ चल रही होती हैं और जो मौसम होता है वो बहुत ज़्यादा अबरालूद होता है तो जो जेन होता है उसको एक बड़े से रूम रूम या हम उसको हॉल कह सकते हैं लेके जाया जाता है जिसके अंदर बड़े पेचीदा सा या हम कह सकते हैं बहुत किस्म का काम वगैरह हुआ होता है वो लॉवुड का हॉल होता है जिसको लिब्रथाइन हॉल कहते हैं लिब्रथाइन हॉल ऑफ लॉवुड वो वहाँ से वो जा रही होती है उससे बिल्कुल भी होती है फिर उसके बाद उसके एक बहुत बड़े से रूम में पहुँचा दिया जाता है जहाँ पे एट्टी दूसरी लड़कियाँ होती हैं जो बैठ के अपना होमवर्क कर, होम कर रही होती है यानी अस्सी दूसरी बच्चियाँ जो कि उसी की तरह ही हैं वो बैठी वहाँ पर अपना होमवर्क कर रही होती हैं तो थोड़ी देर बाद ही बेड टाइम हो जाता है तो जेन अब बहुत ही मुश्किल से अपनी जो जगह है वो बेड तक बनाती है क्योंकि वो न्यू होती है उसके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है शुरू शुरू में एडजस्ट करना हमारे लिए भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है अगर हम कोई भी न्यू जगह पर जाते हैं तो एडजस्ट करने में हमें टाइम लगता है अगले दिन जैन ने जो स्कूल की पूरी रूटीन थी वो फॉलो की और रात होने से पहले, पहले पहले उसने पढ़ लिया मतलब यानी शाम के पाँच बजे से पहले, पहले पहले उसने अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर ली अब ये जो पूरा चैप्टर है ये जैन के ऑब्जर्वेशंस पे डिपेंड करता है कौन से ऑब्जर्वेशन स्कूल के ऑब्जर्वेशन स्कूल को प्रॉपर पूरे तरीके से ऑब्जर्व करती है जेन इस चीज़ को भी डिस्कवर करती है कि जो मिस टेम्पल है वो बहुत ज्यादा काइंड लेडी है जबकि जो मिस कैचर्ड है वो अनरीजनेबली मतलब पनिश करती हैं एक स्टूडेंट है उसका नाम है हेलन बर्नस उसको बहुत ज़्यादा मैम पनिश करती हैं उसके बहुत ज्यादा अनफेयर है और इसके अलावा जो जेन पूरा दिन अकेले फिरती रहती है तो बस उसमें वो एक आध हेलेन से ज़रूर बात करती है और जो हेलन होती है वो उसको फिर लॉवुड के बारे में बताती है कि ये एक चैरिटी का इंस्टीट्यूशन है जो कि यतीम बच्चों के लिए बनाया गया है और उसको ये भी पता चलता है कि जो मिस टेम्पल होती हैं उन्हें हर बात के लिए वो मिस्टर ब्रोकल हर्स को जवाब दे होती हैं तो इस पूरे चैप्टर में जो जे एन की सारी ऑब्जर्वेशन हैं वो स्कूल के बारे में जितनी डिटेल्स हैं वो स्कूल के बारे में दी गई हैं अगर आप चाहते हैं कि मैं इसकी क्रिटिकल एनालिसिस करूँ तो प्लीज़ मुझे बताएं कमेंट्स में और ये चैप्टर फ़ाइव की कम्प्लीट एक्सप्लेनेशन थी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें और अगर आपको वीडियो पसंद आई और लेक्चर समझ आया था तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू